Hi, Hi Sharks. Sharks. I'm Siddharth. And I'm Vinay. And together we founded Knock. Knock. But बाबूजी की नजर में अपन दोनों बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। भाई तेरे बाबूजी ऐसा क्यों बोल रहे थे? भाई क्योंकि अपनी जनरेशन ज्ञानी बहुत है, सब पता है क्या अच्छा है क्या खराब है। बट जब जरूरत पड़ती है थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी की तो अपन पीते हैं वही रेगुलर एनर्जी ड्रिंक, और बाबूजी की नजर में तो बिल्कुल ही बेकार है, एकदम हमारी तरह। भाई हम इतनी एनर्जी ड्रिंक क्यों पीते हैं? भाई 3 इडियट्स से क्या सीखा, जिंदगी एक रेस है, तेज भागो नहीं तो कोई और कुचल के निकल जाएगा। और हमारी आज की जनरेशन यही सोचती है और फॉलो करती है लिव द एक्सट्रीम का प्रिंसिपल। एंड दैट्स व्हाई वी फाउंडेड नॉक नॉक टू किक द रबिश ऑफ। वेल डन, वाओ, गुड शॉट नॉक, अ हेल्दियर ड्रिंक फॉर हेल्दियर वर्ल्ड। नाइस एम। नॉक नॉक में अमाइनो एसिड है, फॉलिक एसिड है, बायोटिन है, ग्रीन कॉफी बीन है, मल्टीविटामिन है। बस भाई कुछ है इसमें जो बिल्कुल नहीं है। नॉक में शुगर बिल्कुल भी नहीं है और पूरे कैन में है सिर्फ 5 कैलोरी। वेरी गुड। हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी बैंगलोर से और आज हम प्रेजेंट है 1100 से ज्यादा स्टोर्स में, और हम मौजूद हैं इंडिया की मेजर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक Amazon, Flipkart, बिग बास्केट एंड मेनी मोर। हम और 5 सिटीज में जाना चाह रहे हैं भारत में और 2 एब्रॉड सिटीज में जाना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम आपके पास आए हैं 50 लाख का आस्क लेके फॉर 2% ऑफ इक्विटी। So, Sharks, who'd like to join our journey to make this world a healthier place? ताकि बाबूजी भी शान से बोल सके बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा। आपके बाबूजी को हम ये बता देंगे कि बेटा बड़ा नाम कमाएगा क्योंकि आपकी एनर्जी जो है बिल्कुल जबरदस्त है। ये प्रोडक्ट का जो फॉर्मुलेशन है जिसमें आपने इतनी सारी खूबियां बताई, ये आपने इसका फॉर्मुलेशन कैसे बनाया, किसकी मदद से बनाया, उसके बारे में जरा कुछ बताइए। जी हमारी टीम में देयर इज अ वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट जिनका 25 साल का बायोकॉम का एक्सपीरियंस है, जिनकी मदद से हमने ये फॉर्मूला डेवलप किया है। ये हमारा खुद का फॉर्मूला है जिसे हमने पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। कितने साल से कर रहे हैं प्रोडक्ट डेवलप? हम लोग बचपन से साथ ही रहे हैं, इनफैक्ट हमारा करियर भी लगभग सिमिलर लाइन पे रहा है, बोथ ऑफ अस आर मार्केटिंग प्रोफेशनल। अच्छा। और हमने एक कंपनी में एक साथ ही काम किया था। हम लोग दोनों थोड़े से हेल्थ फ्रीक हैं, हमें आदत है वो कि कुछ भी मिलता है थोड़ा सा लेवल पढ़ लेते हैं और थोड़ा ज्ञान बांट देते हैं लोगों को, ठीक है कि इसमें ना ये खराब है ये अच्छा है ये है, और फिर खुद वो पी रहे होते हैं तो हमने ना थोड़ी गालियां पड़ जाती है घर वालों से भी कलीग से भी कि मतलब ज्ञान इतना देते हो ठीक है कर तो तुम भी वही रहे हो। अब हमने बोला कि अगर ऐसा है तो हम व्हाई नॉट वी पुट समथिंग व्हिच कैन हेल्प एवरीवन इन दिस रिगार्ड। ये टेस्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल सर। सो दिस इज हाउ द ड्रिंक लुक्स लाइक। अच्छा, शो द कलर। या दिस इज डिलीशियस। ओह रियली, इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही गंदी है। व्हाट, आर यू सीरियस? कोई अलग फ्लेवर है क्या ये? दिस इज अ बेरी फ्लेवर। दिस इज बेरी सर, मेरे को बेरी नहीं पसंद शायद। इसका एक आफ्टर टेस्ट आता है, वो एक क्लासिक बीसी डबल है जिसको ब्रांच चेन अमीनो एसिड कहते हैं जिसपे ड्रिंक बनी हुई है, उसका टेस्ट है और वो सबको पसंद नहीं है। जी। इसमें आपने डाला है 75 mg आई थिंक कैफीन है एक इसमें, तो वो तो काफी कॉफी है। मैं कॉफी का कैफीन ट्रैक करती हूँ तो मतलब एक कप कॉफी जितनी ऑलमोस्ट कैफीन है इसमें, तो ये नेचुरल क्या है इसमें? नाउ ये जो कैफीन आपके अंदर जा रही है सिंथेटिक कैफीन नहीं जा रही है, ये हमने ग्रीन कॉफी बीन यूज की है, जितने अमाउंट की ग्रीन कॉफी बीन यूज की है उससे जितनी कैफीन डिराइव हो रही है ये वो वैल्यू उसमें लिखी गई है क्योंकि वो FSSAI की नॉर्म्स है। सेल्स क्या हुई है आपकी अब तक? सो लास्ट हमने जब पहली फाइनेंशियल ईयर में अक्टूबर 2019 में स्टार्ट किया था एंड वी क्लोज आवर बुक इन मार्च 2020, तो हमारा जो नेट सेल्स वैल्यू था 1.16 करोड़ था। 6 महीने का था। जी जी। अभी मंथली का क्या चल रहा है? लास्ट मंथ हमारा था वी क्लोज आवर 17.2 और अक्टूबर हमारा है वो ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास पहुंच गया, और हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सपोर्ट ऑर्डर है फ्रॉम UAE। नहीं लेकिन अभी तो आपके पास भारी नुकसान चल रहा होगा क्योंकि इतना माल डाल रखा है अपने 1100 दुकान में जो नहीं बिकता है वापस आ जाता है। अभी तक मतलब टचवुड अभी तक कुछ भी वापस नहीं आया। और ये 1100 दुकानें कहाँ हैं और कैसी दुकानें हैं? कुछ 300 स्टोर्स जो है मुंबई में और बाकी के 800 स्टोर्स हमारे बैंगलोर में। चलो ये प्रोडक्ट की बात हो गई, अब मेरे को ये बताओ मार्केटिंग आप लोग कैसे करते हैं? यार अमन एक मैं प्रोडक्ट की एक और बात पूछ लूं, प्राइस क्या है कैन? 110 रुपीज अ कैन नीचे लिखा है। एंड रेड बुल इज हाउ मच? 150। वाओ,
अच्छा, और आपका नाम, सॉरी नाम को लेके लास्ट क्वेश्चन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है, आई नो आपने नो कार्बोनेटेड ड्रिंक को शॉर्ट किया है, पर नॉक्ट नॉक्ट मतलब समझ नहीं आया था मैंने। नॉक्ट की फिलॉसफी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है आज वो ये नहीं देखते कि उसने एक छोटा गोल सेट किया, उसे अचीव करना है। इट्स नॉट अबाउट अचीविंग द गोल, दे वांट टू सरपास द गोल। आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। सो वो जो गोल को नॉक करने का जो फिलॉसफी है, दैट फिलॉसफी वी वांटेड टू इंबाइड विद द नेम नॉक। नॉक मार्केटिंग की बात कर लें जी प्लीज। हाँ सर, मैं मार्केटिंग का यही क्वेश्चन था, आप लोग क्या कर रहे हो? मैंने तो सुना ही नहीं नॉकर क्या बोलता है, नौसड़ नॉकर नॉक नॉक। सर हमारा सबसे बड़ा आज के डेट में चैलेंज पूछेंगे, हमारा चैलेंज ही यही है। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट रीजन कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कि वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द जीनियसेस। सो समवेयर इफ क्या हमारे को मक्खन लगा रहे थे, कुछ नहीं होने वाला। नहीं मस्का की बात नहीं, 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 मस्का मैं चाहिए ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मे बी नो वन कम्स ऑन बोर्ड, बट अगर इनपुट भी मिलेगा तो दैट ऑल्सो हेल्प्स अस टू गेन समथिंग इन द बिजनेस। सो अभी आपका प्रोडक्ट रेडी है? हाँ बिल्कुल रेडी है। डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है? बिल्कुल रेडी है। मार्केटिंग की जरूरत? जी सर। और आपने अभी आप पूछ लो, परेशान कर रहा है करके पूछ लो। ये बनाने में कितना लगता है आपको पैसे? जो 110 का बेस्ट है। 20 रुपीस। वो हाई मार्जिन। यार मैं एक बात करूं, आई हैव काइंड ऑफ मेड अप माय माइंड, ये जो गेम खेल रहे हो ना आप, ये मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है। ये बाकी जो स्टोरी, अमीनो एसिड, फोलिक एसिड, बायोटिन, ये सब अच्छी स्टोरी है, बट द फंडामेंटल पॉइंट इज इट इज द कॉफी दैट इज गिविंग यू एनर्जी। उसको पैकेज करने के लिए, बेचने के लिए आपको एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्टोरी और फैंटास्टिक डिस्ट्रीब्यूशन गेम चाहिए। वो अभी तक मैंने देखा नहीं है, तो इसके लिए आई एम सॉरी बट मुझे आउट होना पड़ेगा। आई विश यू द बेस्ट। सिद्धार्थ और विनय, ये प्रोडक्ट से मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ एट अ पर्सनल लेवल, बिकॉज मैं बिल्कुल सोडाज, एनी ड्रिंक्स दैट आर कार्बोनेटेड पीती नहीं हूँ। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। मार्केट काफ़ी बड़ा है एंड आपका ग्रॉस मार्जिन बहुत अच्छा है, रिटेलर को कन्विंस करना मुश्किल है, तो आपने काफ़ी अच्छा काम किया है वहाँ पे। पर इसमें अभी भी यू नो मुझे बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम है, जैसे मेरा नेम, पैकेजिंग। आपका अभी तक कोई और इन्वेस्टर है ऑन बोर्ड? दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग फॉर द फंड। ओके ओके। आप ऑफर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आपके जैसी मार्केटिंग महारथी की जरूरत है। आई नो बट इनका एक ब्रांड है शुगर, इसका नाम रख लेते हैं नो शुगर। ये गेम पूरा प्लेसमेंट का है, आपका प्रोडक्ट शेल्फ में कहाँ प्लेस हो रहा है उसके हिसाब से उठाया जाएगा। आपने नाम बहुत ही बकवास चूज किया है, ये कोई एनओसीडी पढ़ के कोई दवाई का नाम लगता है। कोई एक्साइटमेंट नहीं आती कि मैं इस ड्रिंक को उठा के पीऊंगा, तो मेरे को लगता है कि आपने मार्केटिंग की जो वो थी वो मिस करी है इसमें कम्प्लीटली, उस कारण से मैं भी आउट हूँ उससे। तो देखो मेरे को पता क्या लगता है, मेरे को लगता है ड्रिंक, देखो ऐसे जैसे मैंने पहले बोला था, मुझे ड्रिंक तो पसंद आई नहीं, आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन कॉमन सेंस कहती है कि सबसे पहले तो मार्केटिंग अच्छी कर लो। तो अभी टू अर्ली है, मुझे लग रहा है बहुत काम करवाओगे आप मेरे से, तो मैं इतना काम करने को भी तैयार नहीं हूँ, इसलिए मैं आउट हूँ। मैं आपको ऑफर करूंगी, आई वॉन्ट टू ऑफर यू 20 lakhs ऑफ इक्विटी एंड फॉर दैट आई वॉन्ट 20% एंड 30 lakhs ऑफ डेट। दैट्स माय ऑफर। वंडरफुल। यू वांट टू टॉक अमंग देम योरसेल्फ? या हाँ आप बात कीजिए। थैंक यू। इक्विटी प्लस डेट, देखिए जब कोई भी पैसा उठाता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो दो तरीके का पैसा हो सकता है। एक वो पैसा है जिसको आपको वापस नहीं करना, पर जिसके अगेंस्ट आपको अपनी कंपनी की भागीदारी देनी होती है या ओनरशिप देनी होती है, इसको हम बोलते हैं इक्विटी का पैसा। दूसरा तरीका है डेट यानी कि लोन, इसमें आप लोन पर पैसा उठाते हैं और आप एक ब्याज चुकाते हैं और एक सर्टन पीरियड के बाद वो पैसा वापस भी करते हैं। तो दो तरीके के पैसे हैं, इक्विटी और डेट। खतरों डील ऑफर किया आपने, अच्छा है, मतलब रिस्क बहुत है। प्रोडक्ट में दम है, बंदों में भी दम है, कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जुगाड़ू बंदे लग रहे हैं। चलो आ गए वापस हमारे नॉक्ट के बंदे नॉकआउट करने।
Shark, we have a counter for you. 20 lakh for 10% equity would do. Rest of the things remain same. 30 lakh debt. Valuation काफी नीचे आ जाएगी. It's not bad. अच्छा counter दिया आप. Actually, we need somebody who can help us, you know, taking to the next level. So. Generous. आपकी counter मैं करती हूँ. 15% equity. Because उससे कम फिर equity का भी meaning नहीं है. And 30 lakhs debt and 20 lakhs equity. और नेम पैकेजिंग चेंज करना पड़ेगा तो वो भी कंडीशंस है वी विल टेक इट लाइक दैट बिकॉज़ योर स्ट्रेटजिक इनपुट फॉर दैट वी आर गिविंग सर्टेन इक्विटी तो हां बोल रहे हैं ना हां जी चलो ऑलराइट अभी एनर्जी आई यार आपके ड्रिंक की नहीं आई डील ओके आई है कांग्रेट थैंक्स सर चीयर्स चीयर्स टू यू थैंक्स मुझे एज अ BCAA सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छा लगा फॉर पोस्ट वर्कआउट रिकवरी थैंक यू कांग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच मैम ग्रेट डील गाइस कांग्रेचुलेशंस थैंक यू मैम गुड जॉब गाइस थैंक यू वेल डन वेल डन थैंक यू गुड डिसीजन थैंक यू How did you change your mind? What made you change your mind? The gross margin and मुझे लगा कि अगर online लोग ले रहे हैं तो कुछ scale तक तो जाएगा But Vinita, na hodgepodge hai in terms of ingredients. Yeah. Pick the one or two key molecules because in pharma that's the philosophy. Wo thoda aap dhyan rakhiye. Aur naam change kar do Naukad ka.